नमस्कार, मैं हूँ आपकी सतंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए मरीजों की कुल संख्या 18 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52,972 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के अब तक कुल 18,03,695 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, जबकि अब तक ठीक हुए संक्रमित मरीजों की संख्या 11,86,203 तक पहुँच गयी है। देश में 26 दिन में 1 करोड़ टेस्ट हुए, जिनमें से 14 लाख मरीज बढ़े। पहले 1 करोड़ टेस्ट में 3 लाख मरीज मिले थे, यानी अब मरीजों की मिलने की दर 14% से ऊपर है। चिंता की बात यह है कि जिस एंटीजन टेस्ट के नतीजे 35% गलत सिद्ध होते हैं, दिल्ली में वही टेस्ट बढ़ाने से नए मरीजों की संख्या घट गई है। अब मुंबई, अहमदाबाद भी इसी राह पर है। बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में भी एंटीजन टेस्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि विश्व भर में RT-PCR टेस्ट ही स्टैंडर्ड है, एंटीजन नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कोरोना से निधन हो गया है। अमित शाह प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्यों, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे और कई दिग्गज नेताओं से 22 जुलाई से 1 अगस्त के बीच मिले थे। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने शाह से मुलाकात के बाद स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोई व्यक्ति 45 मिनट से ज्यादा संक्रमित के साथ बैठता है तो उसे कोरोना हो सकता है। इस बीच सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को कोरोना वायरस से मुक्ति के बाद घर जाने की इजाजत मिल गई है। उनके पुत्र अभिषेक बच्चन अभी इलाज करा रहे हैं। कोरोना काल में विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को 14 की बजाय 7 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। यह छूट गंभीर रूप से बीमार, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता और गर्भवती महिलाओं को मिलेगी। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने बागी नेता सचिन पायलट को प्रस्ताव दिया है कि वह पहले आकर अपनी बात रखे, तभी उनकी वापसी हो पाएगी। इस बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि राजस्थान में उसकी सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार विधानसभा में बहुमत साबित कर देगी। राजस्थान के घटनाक्रम पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की रहस्यमयी चुप्पी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह एक रणनीति हो सकती है। उन्होंने कहा कि गहलोत अपने बेटे की हार को पचा नहीं पा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के जरिए केंद्र सरकार किसी भी राज्य पर कोई भारी भाषा नहीं थोपेगी। उन्होंने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्ण को तमिल में किए ट्वीट के जरिए यह बात कही। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि कोरोना काल में व्यापार और उद्योगों को करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि 10 करोड़ लोगों की नौकरी खत्म हो गई है। उन्होंने सामना में छपे एक लेख में कहा कि यदि इसी तरह नौकरी जाती रही तो लोग प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे। गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन कानून के नियम बनाने के लिए 3 माह और चाहता है। बीते 6 माह के दौरान मंत्रालय इस संबंध में कोई नियम नहीं बना पाया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के 6 माह के भीतर किसी कानून से संबंधित नियम बनाए जाने चाहिए, लेकिन कोरोना संकट के कारण इसमें देरी हुई। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि चीन की सेना ने भारतीय सीमा के करीब काशगर एयरपोर्ट पर परमाणु बमों से लैस अपने कई बम वर्षक एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में उस समय नया मोड़ आया जब सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी दिशा की मौत से जुड़ी रिपोर्ट गायब पाई गई। इस रिपोर्ट को लेने के लिए पटना पुलिस जब मुंबई के मालवड़ी थाने पहुंची तो वहां मौजूद पुलिस अफसर के पास एक फोन आया और उसके बाद अफसर ने कहा कि दिशा से जुड़े डॉक्यूमेंट जिस फोल्डर में थे वह फोल्डर ही डिलीट हो गया है। सिंगापुर में कोरोना वायरस से मौत की दर दुनिया में सबसे कम है। इस छोटे से देश ने अमेरिका के बराबर कोरोना टेस्ट करवा लिए हैं। यहाँ पर अब तक 52,825 कोरोना वायरस मरीज मिले हैं, जिनमें से कुल 27 की ही मौत हुई है, जो कि दुनिया में सबसे कम यानी 0.051% है। यहाँ पर 46,740 मरीज ठीक हो चुके हैं। सिंगापुर में कोरोना वायरस के बाद डेंगू का बुखार बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। साल के पहले 7 महीने में देश में डेंगू के 19,000 मरीज मिले हैं। इसे देखते हुए पर्यावरण एजेंसी ने चेतावनी दी है कि सिंगापुर में डेंगू का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 हफ्ते तक रात का कर्फ्यू लगाया गया है। विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रियो ने लोगों से 5 किलोमीटर के दायरे में ही रहने की अपील की है। उधर कोसोवो के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला होती संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने रविवार को अपने फेसबुक पेज पर लिखा, हल्की खांसी के अलावा मेरे अंदर कोई लक्षण नहीं नजर आए, मैं 2 हफ्ते क्वारंटाइन में रहूंगा, घर से ही अपना काम करूंगा। कोसोवो में संक्रमण के कुल 8,700 संक्रमित मिले और 249 मौतें हुई हैं।
अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा नामित करने के लिए होने वाला मतदान निजी तौर पर कराया जाएगा, जिसमें पत्रकार मौजूद नहीं होंगे। ट्रंप ने पिछले महीने फ्लोरिडा में होने वाले सम्मेलन को भी कोरोना का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। अमेरिका की दिग्गज सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुनिया भर में राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के 12 समर्थकों के अकाउंट बंद कर दिए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति के समर्थकों पर फेक न्यूज नेटवर्क चलाने का आरोप है और इनके खिलाफ जांच चल रही है। वहीं कोरोना संकट के बीच ब्राजील के हिस्से वाले अमेज़न के जंगलों में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जुलाई में आग लगने की घटनाएं 28% तक बढ़ गई थी। आगजनी की घटनाओं में यह बढ़ोतरी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अमेज़न में भूमि साफ करने की राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की अपील के बाद हो रही है। इसे लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है। पिछले महीने बैन किए गए भारतीय न्यूज चैनलों को नेपाल में फिर से शुरू कर दिया गया है। नेपाल के डिश 4 मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप आचार्य ने बताया कि हाल ही में बैन किए गए सभी भारतीय न्यूज चैनलों को फिर से दिखाए जाने की अनुमति मिल गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की कड़ी आलोचना की वजह से नेपाल में ये कदम उठाया गया था। नेपाल की सेना अपने वेलफेयर फंड से बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश करके मुनाफा कमाना चाहती है, इसके लिए उसने सरकार से मंजूरी मांगी है। नेपाली सेना ने मौजूदा आर्मी एक्ट में बदलाव का मसौदा भी सरकार को सौंपा है। दरअसल नेपाली सेना चाहती है कि उसे बिजनेस प्रमोटर का रोल भी मिले। हालांकि मौजूदा आर्मी एक्ट की वजह से ये संभव नहीं है। अगर सरकार से मसौदे को मंजूरी मिलती है तो नेपाली सेना हाइड्रो पावर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ।